नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। ड्राइविंग लाइसेंस भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में से एक है, जिसके तहत जितने भी लोग वाहन चलाते हैं, चाहे वो दो पहिया हो, चार पहिया हो या ट्रक हो, सभी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। सरकार द्वारा प्रदान किए गए डॉक्यूमेंट पर सभी डिटेल अपडेट रखना भी इसीलिए जरूरी माना जाता है। खासकर ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की अगर बात हो तो इन दो कार्ड्स पर सारे डॉक्यूमेंट्स का डिटेल अपडेटेड रहना ही चाहिए। ऐसे में अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हो जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के वक्त तो किसी और एड्रेस पर रहते हो, लेकिन बाद में उनका पता बदल दिया गया हो, तो वो उन्हें यह सलाह दी जाती है कि सभी डॉक्यूमेंट्स पर पता जल्दी से अपडेट करवा लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरी इस बात को सुनकर यकीनन आप सोच रहे होंगे कि अब आपको RTO ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे या फिर किसी एजेंट के माध्यम से आपको ये काम करवाना होगा, जिसके लिए आपको भारी भरकम राशि भी देनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अब आप खुद ही आसानी से इस काम को कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अब आप घर बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस का पता अपडेट कर सकते हैं। इसको लेकर आज हम आपको एक तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपको ना तो RTO ऑफिस के चक्कर काटने होंगे और ना ही किसी एजेंट को काम करवाने के लिए हजारों रुपए देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने एड्रेस को अपडेट करवाना चाहते हैं, इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स को जरूर फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप parivahan.gov.in पर जाएं, ऑनलाइन सर्विसेज के तहत ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज चुनें, ड्रॉप डाउन लिस्ट में उस राज्य का चयन करें जहां से सेवा ली जानी है। लाइसेंस रिलेटेड सर्विस ऑप्शन के अंतर्गत drivers/learner's license पर क्लिक करें, अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एड्रेस चुनें। आवेदन जमा करने के लिए अगली स्क्रीन प्रदर्शित होगी, इसे पढ़ें। स्क्रीन के नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन में अपना DL नंबर और जन्म तारीख दर्ज करें। गेट DL डिटेल्स पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन में यस का चयन करें। पुष्टि के लिए उपरोक्त ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल आपके हैं, लिस्ट से नजदीकी RTO का चयन करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। नए एड्रेस सहित यहां आवश्यक सभी डिटेल्स भरें। चेंज ऑफ एड्रेस ऑन DL के सामने वाले बॉक्स को चेक करें। परमानेंट, प्रेजेंट या बोथ में से एक ऑप्शन चुनें और डिटेल भरें। कन्फर्म सबमिट करके क्लिक करें। हालांकि अगर आप अपने एड्रेस को अपडेट करवाने जा रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, जिसके तहत आपके पास जिन डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य है उसमें फॉर्म 33 में एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नए एड्रेस का प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासबुक, बिजली बिल, वैध इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, फाइनेंसर से NOC, स्मार्ट कार्ड फीस, पैन कार्ड या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 की अटेस्टेड कॉपी, चेसिस और इंजन, पेंसिल प्रिंट और मालिक की हस्ताक्षर पहचान पत्र आपके पास मौजूद होना अनिवार्य है। इन सभी स्टेप्स को आसानी से आप फॉलो करके घर बैठे बैठे अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करवा सकते हैं। घर बैठे बैठे अब अपने ड्राइविंग लाइसेंस में आप अपना एड्रेस अपडेट करवा सकते हैं, जिससे आपको RTO ऑफिस के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे और घर बैठे बैठे आपका काम आसानी से हो जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।